टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। दोस्तों आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। एक वैकेंसी आई है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल में आई है दोस्तों। तो चलिए हम उसका डिटेल देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल दिया गया दोस्तों और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्ट आई है। चलिए दोस्तों डिटेल से उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस वैकेंसी की बात मैं कर रहा था वो देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत नगर पोस्ट गाजियाबाद में दोस्तों आया उत्तर प्रदेश में। तो यूपी के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। चलिए हम आगे डिटेल इसका देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बोला है कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस सिलेक्शन 2021-22, यानी कि दोस्तों ये ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी आई है। तो और देखिए यहाँ पे दोस्तों कितनी सीट दी गई है हम बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सीट दी गई टोटल 50 सीटें दी गई दोस्तों। और उन 50 सीटों को दोस्तों देखिए किस प्रकार से बांटा गया दोस्तों। तो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग बांटा गया दोस्तों, जिसमें से मैकेनिकल को 20 सीटें दी गई हैं और बाकी को यहाँ पे 10-10 सीटें दी गई हैं। एक वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग होगी दोस्तों और यहाँ पर आपको कितने पैसे मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में, 11,110 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला कि आवेदन प्रारंभ तिथि देखिए 9/8/2021 है दोस्तों, और यहाँ पे लास्ट डेट कब है दोस्तों 29/8/2021 है। तो आप लोग 29 अगस्त से पहले अप्लाई यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकें। दोस्तों हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों। तो नंबर वन पॉइंट बोला है वो बोला है दोस्तों कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। तो ये बोले ना बोले वो तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। और देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वो बोला है अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 31/11/2018 को या उसके बाद AICTE या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऊपर दर्शाई गई अभियांत्रिकी यानी ऊपर जो ब्रांच दी गई है दोस्तों, वहाँ बोला कि शाखाओं में किसी एक शाखा में BE या BTEC पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी दोस्तों बोला है कि अगर आपका रिजल्ट जो है दोस्तों 31/11/2018 या उसके बाद आया दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया एक चीज़, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 29/11 को किसका रिजल्ट आता है, किसी के नहीं आता जो 18 में पास आउट होते हैं। यानी कि दोस्तों वो सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है कि आप अगर 2019 में पास आउट हैं, 2020 में पास आउट है दोस्तों, या 2021 में पास आउट है, अभी तक आपका रिजल्ट आ गया तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या बोला है दोस्तों कि मैक्सिमम एज शुड बी 25 ईयर्स आर लेस, बोला है दोस्तों बोला है कि 30/11/2021, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स ऑफ ST/ST यहाँ पे PWD एंड 3 ईयर्स आप OBC कैंडिडेट, ठीक है। तो 3 वर्ष आपको OBC वालों के लिए मिलेगा और SC/ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पे 5 वर्ष दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों उससे बोला है चौथा पॉइंट, उम्मीदवारों का चयन उनके BE/BTEC में प्राप्त अंतिम प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। यानी दोस्तों आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है पांचवा नंबर, कर्मचारी के बच्चों के चयन हेतु तो उन्हें उपरोक्त डिग्री में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी कि आप लोग कर्मचारी के बच्चे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए बस यहाँ पे पास आउट ही ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, तो बोला है कि यहाँ पे कि आप लोगों के प्रशिक्षण जो होगा 1 वर्ष का होगा दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ बोला कि अभ्यर्थी दिनांक 29/8/2021 तक या उससे पहले केवल सरकारी पोर्टल यहाँ पे देखिए दोस्तों www.mhrd.nats.gov.in पर ही आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियमानुसार होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आरक्षण भी लागू आपको किया जाएगा। और देखिए दोस्तों छठवां नंबर दिया है कि जो अभ्यर्थी पहले किसी दूसरे संस्थान से, यहाँ पे दोस्तों बोला है कि अगर आप लोग पहले कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि संक्षिप्त सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन और नियुक्ति की सूचना ईमेल द्वारा ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी और BEL वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है और आप यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये यहाँ पे YouTube का लिंक दिया गया चैनल का, तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उससे बढ़िया दोस्तों आप हमारे चैनल में चले, एकदम डिटेल में समझाया गया है कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, तो कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, आप लोग वहाँ पे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या सांकेतिक है और बिना किसी अधिसूचना के चयन समिति द्वारा प्रवृत्त की जा सकती है।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है सबसे महत्वपूर्ण नौवां पॉइंट दिया गया, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध रहेगी दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैंटीन मिलेगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड के वेब पोर्टल MHRD NATS पर पंजीकरण करना आवश्यक है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों बोला है कि कृपया ध्यान, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाया गया दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वीडियो देख लीजिए दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दे दूँगा दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख करके जानकारी ले सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें मैं आसानी से बताया दोस्तों। दो दिनों के अंदर प्रोफाइल आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताएगा रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद बाकी यहाँ पर कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे करने के बाद दोस्तों आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फाइन एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे इसका नाम सर्च करेंगे दोस्तों, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सर्च करेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।